अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू टिफिन फूडी। टिफिन फूडी में आज हम आपको बनाना सिखा रहे बहुत ही चटपटी सी रेसिपी, जिसको बनाना बहुत आसान है और इसको बहुत पसंद भी किया जाता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो देखते हैं आज हम क्या बना रहे हैं। आज हम बना रहे हैं बम्बई चना चाट। बहुत ही चटपटी सी रेसिपी है, बहुत ही आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी। आज हम चलिए शुरू करते हैं अपनी रेसिपी और देखते हैं इसके लिए हमें कौन कौन सी इंग्रेडिएंट्स चाहिए और ये कैसे तैयार की जाती है। यहाँ पर चना लिया है, चने को अच्छी तरह से बॉयल कर लेना है। इसके साथ हमने लिए हैं आलू, आलू को भी अच्छी तरह से बॉयल करके उनको काट लेना है। इमली को अच्छी तरह पानी में डिप करके और उसको स्ट्रेन कर लेना है। हरा धनिया, चॉप किया हुआ टमाटर, चॉप किया हुआ हरी मिर्च, चॉप किया हुआ खीरा और चॉप किया हुआ प्याज, चाट मसाला, खुश्क धनिया और जीरा कूटा हुआ, चिली फ्लेक्स, नमक, लाल मिर्च पाउडर, लेमन जूस और ऑयल। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेड बटन पर जाकर सब्सक्राइब को प्रेस करें और साथ में लगे बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इससे आने वाली हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए शुरू करते हैं हम अपनी रेसिपी। तो सबसे पहले यहाँ पे बॉल लिया, इसमें लेमन ऐड करेंगे, चाट मसाला, ठीक है, लाल मिर्च पाउडर, आप जितना स्पाइस आपको पसंद हो उस हिसाब से आप इसमें डाल सकते हैं, चिली फ्लेक्स, अगर आप ज़्यादा मिर्ची पसंद नहीं करते तो आप अपने हिसाब से इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हैं, नमक हसबे ज़रूरत, पानी ऐड कर लेंगे और इसका पेस्ट बना लेंगे, अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। यहाँ पर हमने लिया है पैन, इसके अंदर हल्का सा मैं ऑयल ऐड करूंगी और इसको अच्छी तरह से गरम कर लेंगे। ऑयल गरम हो चुका है, इसके अंदर खुश्क धनिया और जीरा कुटा हुआ ऐड करेंगे, इसको मजीद भून लेंगे। ये देखिए हल्का सा भून गया है। अब हम इसके अंदर हरी मिर्च ऐड कर देंगे, इसको भी मजीद भून लेंगे। अब जो हमने मिक्सचर तैयार किया हुआ था मसाला जात का, वो इसके अंदर ऐड कर देंगे और 5 से 10 मिनट के लिए इसको मजीद पकाएंगे। ये देखिए हमारा पानी खुश्क हो चुका है और इसके अंदर हम चना ऐड कर देंगे। चने को अच्छी तरह से बॉईल किया हुआ था, इसको मिक्स करेंगे इसी मसाले में। ये देखिए बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू भी आ रही है और जायका भी बहुत मज़ेदार था और यकीनन ये आपको बहुत पसंद आएगी, ये एक अलग सी यूनिक सी रेसिपी है। चलें अब हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पर मैंने बॉल लिया, इसके अंदर हम चना जो कि मसाले में भुना हुआ था वो ऐड कर देंगे। अब हम इसके अंदर कटे हुए आलू ऐड कर देंगे। आलू जब आप बॉईल करें तो उसके अंदर हल्का सा नमक ऐड कर लें। अब हम इसके ऊपर डालेंगे प्याज, चॉप किया हुआ प्याज, अब हम इसके अंदर डालेंगे चॉप किया हुआ टमाटर, ठीक है, खीरा ऐड कर देंगे, चाट मसाला, इस तरह हमने स्प्रिंकल कर देना है। अब हम इसके अंदर डालेंगे इमली का पानी, ठीक है। अब हम इसको अच्छी तरह से हरा धनिया इसके ऊपर डाल देंगे, हरा धनिया डाल के अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लीजिए हमारी चाट जो है वो तैयार हो चुकी है। बॉम्बे चना चाट तैयार हो चुकी है, इसको हमने सर्व किया है और बहुत ही मज़ेदार सा और बहुत ही आसान जो रेसिपी है
वो आज आपको मैंने शेयर की है। यकीनन आपको हमारी रेसिपी पसंद आएगी। और इसके साथ हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को प्रेस करना भी मत भूलिएगा। इससे आने वाली हमारी हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलेगा। तब तक हमें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।